गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बच्चों, देखिए हम सेवन्थ क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिस्कस कर रहे थे और लास्ट पार्ट में बच्चों हमने एक प्रोसेस डिस्कस की थी डाइजेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो डाइजेशन बच्चों हम डिस्कस कर चुके थे और हमने कहा था कि जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स के अंदर उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फिर द मेथड बाय विच वी कैन टेक इन द फूड, और उसके बाद फिर आता था डाइजेशन। आज बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि अलग अलग एनिमल्स में क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम होता है या अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं या अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो सेम टाइप से अपना जो खाना है वो खाते हैं या उसके लिए उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं। तो फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ किसका, बीज का। ठीक है, जो हनी भी आप समझ सकते हो कि जो मधुमक्खी वगैरह होती है वो अपना खाना कैसे लेती है, वो उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है। तो आप सबने देखा है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, फूलों का रस, जिसको हम क्या कहते हैं, नेक्टर। तो फूलों का जो रस है वो सकिंग करती है, मतलब उसको चूस लेती है। उसके बाद बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे एक पाइथन, एक स्नेक है, एक सांप है जिसका नाम क्या है, पाइथन, वो अपना न्यूट्रिशन या अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है, आप सबको पता है कि वो जिस भी एनिमल को खाता है, जो उसका प्रे होता है, उसका जो शिकार होता है, उसको स्वेलो कर जाता है, मतलब उसको निगल जाता है। इसके अलावा बच्चों अगर मैं आपसे और कुछ पूछता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कोई इन्फेंट है, ठीक है, नवजात अगर कोई बच्चा है, चाहे वो किसी एनिमल का हो या ह्यूमंस का हो, तो वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, वो कैसे अपना खाना लेगा, वो आप सबको पता है फीड ऑन करता है, किस पर अपना खाना किससे ऑब्टेन करता है, मदर्स मिल्क से। तो इस टाइप से बच्चों अगर हम कहें तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो रहता है, हर एनिमल के अंदर ये अलग रहता है। ठीक है, तो देखते हैं हम कुछ ऐसे ही एनिमल्स जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन से एनिमल के लिए किस तरह का फूड होता है और उस फूड को ऑब्टेन करने का, मतलब उस फूड को खाने का उसका तरीका क्या रहता है। तो सबसे पहले बच्चों हमने लिया यहाँ पर क्या, बीज। ठीक है बच्चों, जो बीज होती है, या अगर हम बात करते हैं किसकी, बटरफ्लाई की। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर हनीबी का एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर बटरफ्लाई, तो हनीबीज यानी कि मधुमक्खियां और जो बच्चों बटरफ्लाई होती हैं, तितलियां जो होती हैं, वो बेसिकली उनका जो फूड होता है वो क्या होता है, नेक्टर। नेक्टर मींस क्या बच्चों, फूलों का जो रस होता है वो इनका फूड होता है। लेकिन जो है इसको ऑब्टेन करने का, इसको खाने का इनका तरीका कैसा रहता है, या फूलों का जो रस ये पीती है उसका तरीका क्या रहता है, सकिंग। सकिंग का मतलब होता है बच्चों टू पुल अ लिक्विड इन योर माउथ, टू पुल अ लिक्विड इन माउथ। बच्चों आप क्या करो कि कोई भी लिक्विड सब्सटेंस आपके पास है, जैसे पानी है, आप क्या करते हो उसको अंदर की तरफ खींच लेते हो, तो इसी तरीके से हम पीते हैं। तो सकिंग बच्चों यही होता है कि मधुमक्खियां या तो तितलियां क्या करती हैं, फूलों का जो रस होती है उसको चूस लेती हैं, उसको अपने मुंह के अंदर डाल लेती है, तो इस टाइप से ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती हैं। बच्चों अगर मैं बात करता हूँ स्नेक्स की, स्नेक्स अलग अलग तरह के होते हैं, बेसिकली अगर इनका एक फूड अगर बताया जाए, वैसे तो अलग अलग चीजें ये खाते हैं अलग अलग एनिमल्स को, लेकिन अगर हम कहें कि ये रैट्स को खाते हैं, इनके जो चूहे होते हैं उनको खाते हैं, तो खाने का तरीका क्या रहता है बच्चों, ये स्वेलो, मतलब उनको निगल जाते हैं, क्या कर लेते हैं, उनको निगल जाते हैं, तो इस टाइप से ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं बच्चों। उसके बाद अगर मैं कहूं स्नेल्स, जो स्नेल्स होते हैं बच्चों बेसिकली क्या खाते हैं, घास खाते हैं। ठीक है, स्नेल्स घास खाते हैं, लेकिन कैसे खाते हैं, च्युइंग, यानी कि चबा चबा कर इस चीज को जो है ये खाते रहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों आंट्स, जो चींटियां होती है, चींटियां बच्चों बेसिकली किसको खाते हैं, जो इंसेक्ट्स डेड हो जाते हैं एक तरह से, उनको खा लेते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट्स को ये बेसिकली खाती हैं, लेकिन खाने का तरीका क्या है बच्चों, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कोई चीज आपके पास है और उसको आप पहले उसकी ऊपरी लेयर को हटा रहे हो, फिर उससे नीचे वाली लेयर को, एक तरह से खुरच खुरच कर खाना जो कहते हैं, उस टाइप से ये जो है अपना न्यूट्रिशन लेती है। उसके बाद अच्छा है बच्चों हाउस फ्लाइज, हाउस फ्लाइज क्या करती है बच्चों, जो घर के अंदर जो मक्खियां वगैरह होती हैं, बेसिकली वो क्या करती हैं बच्चों,
वो कोई भी मैटर, ठीक है, कोई खाने की चीज रखी हुई है या किसी चीज की पीलिंग के जो छिलके वगैरह रखे हैं, पील्स रखे हैं, तो उनके ऊपर क्या करती है बच्चों, उनके अंदर आप एक तरह से कह सकते हो स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, डंक जैसी कुछ चीज होती है, वो उसको उस सब्सटेंस के अंदर डालती है और उसके बाद अपना जो न्यूट्रिशन है वो उनसे ऑब्टेन करती है। तो ब्रीविंग के थ्रू बच्चों ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करती है। उसके बाद आता है बच्चों लाइस। लाइस क्या होता है बच्चों, लाइस का मतलब होता है जुए। जो जुए होती है बच्चों वो क्या करती है, बेसिकली ब्लड जो है, ब्लड जो है इनका फूड होता है। आप सबको पता है बच्चों, देखो होता क्या है, हमारे जो हेयर्स होते हैं, जो बाल होते हैं, जब उनमें नमी रह जाती है, सपोज कीजिए आप नहा करके आए हो और आते ही आपने बाल को जो है कॉम्बिंग कर लिया, कंघा वगैरह कर लिया, तो उससे क्या होता है कि बच्चों बालों में नमी रह जाती है, मतलब बाल सूखे नहीं और आपने पहले ही उनको कॉम्बिंग कर लिया, तो नमी रह जाती है, तो बच्चों उसके अंदर क्या होते हैं कि जो लाइस होती है, जुए जो होती है वो पनपनी शुरू हो जाती है और उसके बाद वो ब्लड को बाय सकिंग, जैसे बच्चों यहाँ पर हनी बीज और बटरफ्लाई सकिंग करती थी ना, ठीक है, मतलब लिक्विड, कोई भी लिक्विड चीज है उसको अंदर की तरफ खींचना, मुंह की तरफ के अंदर की तरफ खींचना, तो सेम वे में बच्चों ये भी क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। लास्ट चीज बच्चों बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज भी बच्चों क्या फूलों का रस जो है वो पीती है और किस क्या मोड रहता है बच्चों इनके अंदर भी, सकिंग रहता है, उसको भी ये क्या करती है पुल करती है अपने माउथ के अंदर। तो बच्चों ये कुछ तरीके थे जिनकी हेल्प से अलग अलग जो एनिमल्स हैं, इस टाइप से जो अलग अलग एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरह का जो फूड, उनका फूड क्या रहता है वो, और किस तरीके से वो उस फूड को जो है अपने बॉडी के अंदर लेकर के जाते हैं, वो सारा अभी हमने डिस्कस किया है। लेकिन बच्चों एक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे और वो ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चों, स्टार फिश। बच्चों होप सो कि आपने स्टार फिश जो है रियल में ना सही तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो मोबाइल फोन में, बुक्स में, कहीं ना कहीं तो देखी होगी। बच्चों स्टार फिश जो होती है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसका, कुछ इस टाइप से बच्चों स्टार फिश हमारे पास होती है, क्योंकि बच्चों इसकी स्ट्रक्चर स्टार लाइक होती है इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, स्टार फिश, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्टार जैसा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, स्टार फिश। अब बच्चों जो स्टार फिश होती है वो बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये देखना कि वो फूड क्या खाती है। बच्चों वो सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स जिनके ऊपर आप क्या कह सकते हो कि एक तरह से हार्ड कवर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो इनका फूड आइटम होता है, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स हैविंग कवर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो बच्चों कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके ऊपर एक शेल होती है और वो शेल किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे आपने एग देखा होगा, एग के बाहर उसका कवर होता है, वो कवर भी किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जो है स्टारफिश कंज्यूम करती है, एज ए फूड जो है वो यूज करती है। अब बेसिकली होता क्या है बच्चों, वो समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर बच्चों स्टारफिश का क्या होता है, माउथ। इस एरिया में स्टारफिश का क्या होता है, माउथ। तो अगर मैं आपको कहूं कि यहां स्टारफिश का माउथ है, उसके बाद बच्चों ये जो एरिया होता है यहां होता है स्टारफिश का स्टमक, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों होता क्या है कि जैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इसका फूड है, जिसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, शेल, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है, वो इसके पास आता है, तो सबसे पहले तो स्टारफिश उसके ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल है उसको रिमूव करती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, जो ये शेल है इसको रिमूव किया जाएगा। रिमूव करने के बाद बच्चों सेकंड स्टेप में जो स्टमक होता है स्टारफिश का, स्टारफिश उसको पॉप्स आउट करती है, बाहर की तरफ निकालती है, एक तरह से ओपन करती है, तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक, ठीक है। और उसके बाद क्या करती है बच्चों, जैसे ही वो फूड जो है वो स्टमक के अंदर चला जाता है, ये स्टमक वापस से इसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। स्टमक पॉप्स आउट कहां से होता है, माउथ के थ्रू। तो स्टारफिश पॉप्स आउट स्टमक थ्रू माउथ, ठीक है। और फिर जब ये अपना फूड जो है
वो स्टमक के अंदर ले लेती है, देन क्या होता है बच्चों, स्टमक गोज अगेन इनटू द बॉडी, स्टमक गोज इनसाइड द बॉडी बॉडी अगेन. ठीक है, तो बेसिकली बच्चों ये स्टेप्स जो है इसके अंदर चलते हैं. फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि वो ऑर्गेनिजम्स इसका फूड की तरह वर्क करेंगे जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है. स्टारफिश सबसे पहले क्या करती है, उनकी शेल को हटाती है. उसके बाद जो इसका स्टमक होता है वो इसके माउथ से बाहर की साइड आता है और स्टारफिश फूड को जो है वो अंदर ले लेती है और उसके बाद स्टमक जो है वापस से बॉडी के अंदर चला जाता है. कुछ बच्चों यहाँ पर जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर भी होती है जो इस काम में इसकी हेल्प करते हैं. कहते ये हेयर्स लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होती है यहाँ पर, वो इसकी हेल्प भी इस काम में करते हैं. तो क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर. ओके, तो होप सो बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. थैंक यू.